हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस रेस्पिरेशन इन एक्वेटिक एनिमल्स। ओके, रेस्पिरेशन इन एक्वेटिक एनिमल्स। यू नो ना व्हाट आर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स? Animals which live in water are called aquatic animals. Okay, for example, fishes हैं, prawns हैं, okay, snails हैं, okay, these are aquatic organisms. And in these organisms, respiration mainly takes place by gills. Means they have gills for respiration. Okay, and they exchange respiratory gases with the help of gills. तो हम यहाँ focus करने वाले हैं respiration in aquatic animals and we are taking example of fish. Okay, तो fish is aquatic animals, बहुत से लोग खाते भी हैं, इसका मतलब ज़्यादातर लोगों ने fish को देखा भी। तो एक हम यहाँ fish बना लेते हैं बड़ी सी। दिखाई दे रही है? तैरेगी नहीं। ओके, ये इसका mouth, ये इसकी eyes, ओके, ये इसके फिन्स बनाई लिए। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं डायग्राम बनाने में, बस हमारा हिंदी डायग्राम क्लियर एंड अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ये हो गई इसके, और यहाँ इसके होंगे बाकी के स्ट्रक्चर्स। ओके, यहाँ एक टेल फिन भी हो सकता है, यहाँ एक फिन होकर हो जाएगा, डन। और ख़ास बात जो हमें आज इसमें डिस्कस करनी है, वी हैव टू ड्रॉ दैट थिंग दैट इज़ गिल्स। तो फिशेज में यहाँ पर मिलेंगे आपको 5 to 7 pair gills. They are covered by gill covers which are known as operculum. So what are these? जो कि involved रहेंगे gases exchange में, which will provide surface for gases exchange are known as gills. तो ये हमारी fish के हो गए gills. खुश नज़र आ रही है ना fish? हाँ भाई, बिल्कुल खुश नज़र आ रही है। अब उसकी recording हो रही है तो खुश तो नज़र आएगी ना। और तो इस तरीके से fish है हमारी। अब इसमें होता क्या है कि कहाँ रहती है ये भाई? वाटर में रहती है ना। तो दिस फिश लिव्स इन वाटर, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में, तो पानी में रहेगी। तो पानी में रहेगी तो फ्रॉम वेयर इट विल गेट ऑक्सीजन? इट विल गेट ऑक्सीजन विच इज़ डिजॉल्व इन वाटर। सुंदर ड्राइंग बन रही है। ओके, आई नो कि ये मुझे भी अच्छी लग रही है देखने में। तो ये पानी में क्या डिजॉल्व भाई? O2 डिजॉल्व इन वाटर। ओके, और ये मैडम क्या करेंगी कि ये पानी को पियेंगी। पानी तो पीते देखा है ना फिश को, तो दे विल ड्रिंक वाटर। और जब पानी पियेंगी तो साथ में क्या लेंगी? ऑक्सीजन भी जाएगी। पानी इन्होंने पिया और ऑक्सीजन गई। ओके, तो दिस ऑक्सीजन कंटेनिंग वाटर व्हेन रीचेस टू द गिल सरफेस, यहाँ पानी जब आया तो gills are richly supplied with blood. Okay, they are richly supplied with blood. So hemoglobin which is present in blood will take oxygen and it will form oxyhemoglobin. Okay बच्चों, तो पानी जो यहाँ पर आया, हिंदी में बताती हूँ, जो पानी यहाँ आया उस पानी में ऑक्सीजन डिजॉल्व थी, और वो पानी जैसे ही gill सरफेस से होता हुआ गया तो उस पानी में से ऑक्सीजन निकल करके डिफ्यूज होकर के कहाँ चली गई? जो गिल सरफेस पर ब्लड सप्लाई है उस ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, उस हीमोग्लोबिन के साथ में बन करके क्या बना लिया उसने मिल करके? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ओके बच्चों, गेटिंग व्हेन वाटर फ्लोज थ्रू गिल्स द ऑक्सीजन विच इज डिजॉल्व इन वाटर एंटर्स द बॉडी ऑफ एनिमल एंड इट इज टेकन बाय द हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन ब्लड। ओके, एंड इन रिटर्न CO2 फ्रॉम द ब्लड इज डिफ्यूज आउट टू द फ्लोइंग वाटर। और जो CO2 है वो CO2 कहाँ से आ रही है? अब हम एक ऐसी जनरल डायग्राम बना लें इसको, ऐसा नहीं कि आप ऐसा ही मान के बैठ जाएं। तो यहाँ फिश के पास में क्या होगा? हर्ट मान लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं, मान लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं। ओके, तो इस हार्ट की क्या खास बात है कि ये हार्ट क्या करेगा? इट इज सिंगल सर्कुलेटरी हार्ट, यानी कि इट विल डील ओनली डी ऑक्सीनेटेड ब्लड। तो यहाँ से इसने गिल से जो ऑक्सीजन थी वो कहाँ पहुँचा दी? पूरी बॉडी में पहुँचा दी। कैसे पहुँचाएं भाई? बॉडी में कोई कलर मिले तो पहुँचा दें,
हाँ जी इस कलर से पहुंचा देते हैं। तो यहाँ गिल से जो ब्लड सप्लाई हुई तो वो कहाँ पहुंच गई, पूरी बॉडी में। इन्होंने क्या पहुंचा दिया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पहुंचा दी पूरी बॉडी में। एंड देन आफ्टर दिस ऑक्सीजन इज यूटिलाइज फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन एंड देयर इज प्रोडक्शन ऑफ CO2। और क्या बना लिया, CO2। ये CO2 कहाँ आई बच्चों, ब्लड में, ब्लड से हार्ट में, और हार्ट ने सीधा कहाँ पहुंचा दी, गिल सरफेस पर। यानी कि गिल सरफेस पर ही क्या होने वाला है, ऑक्सीजन ब्लड में जाने वाली है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से डिफ्यूज होकर के आउट गोइंग वाटर करेंट में आने वाली है। अब जो पानी है वो फिश यहाँ से नहीं वॉमिट करने वाली, गिल्स आर दी माइन्यूट ओपनिंग्स विच आर कवर्ड बाय कवर नोन एज ओपरकुलम। तो ये जो पानी है वो कहाँ से निकलेगा, गिल्स से बाहर निकलेगा, ऐसे करके बाहर निकाल देते हैं वाटर को। ओके, ये पानी निकला, बट वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस वाटर एंड दिस वाटर, दिस वाटर इज जो इनगोइंग वाटर है दैट इज कंटेनिंग ऑक्सीजन, और जो फिश की बॉडी से गिल्स के थ्रू वाटर जो आ रहा है दैट इज रिच इन वाटर कंटेनिंग CO2। तो जैसे ह्यूमन बॉडी में हमने पढ़ा कि गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू द एल्वियुलर सरफेस, इसी तरीके से इन फिशेज और इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स लाइक प्रॉन, मसल्स, स्नेल्स, फिशेज, गैसेज एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू गिल सरफेस। ओके, अब खास बात क्या है कि गिल सरफेस से तो हुआ, लेकिन अब हम इसमें एक और चीज़ ऐड करने वाले हैं, क्योंकि फिश के पास में क्या है, ऑक्सीजन अवेलेबल है डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो रेट ऑफ ब्रीदिंग, फिश की रेट ऑफ ब्रीदिंग टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म से ज़्यादा होगी कि कम होगी, ऑफ कोर्स द रेट ऑफ ब्रीदिंग इज फास्ट इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। ओके, व्हाई, बिकॉज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच इज डिसॉल्व्ड इन वाटर इज नॉट इनफ फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स टू कैरी आउट देयर सेलुलर एक्टिविटीज। टू फुलफिल द ऑक्सीजन डिमांड द रेट ऑफ ब्रीदिंग इज फास्टर इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। ओके, हिंदी में बता दो, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन लेते हैं वो डिजॉल्व होती है वाटर में, तो उस ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में क्या होगी, कम होगी। ओके, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है, तो उन्हें अपनी ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है उसको फिल करने के लिए क्या होगा कि इनकी रेट ऑफ ब्रीदिंग इज फास्टर इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ लिख लेते हैं, ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आता है कि वाई द रेट ऑफ ब्रीदिंग इज फास्टर इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो एक तो फिशेज में जो रेस्पिरेशन होगा वो गिल्स के थ्रू होगा, गिल सरफेस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर गैसेस एक्सचेंज, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, द ब्रीदिंग रेट इज फास्टर एज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर इज वेरी लो एज कंपेयर्ड टू द ऑक्सीजन इन एयर, ऑक्सीजन इन द एयर। ओके, गेटिंग माई पॉइंट। और ह्यूमन्स में ब्रीदिंग रेट क्या होगी भाई, ह्यूमन्स में ब्रीदिंग रेट का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। तो जो रेट ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमन बींग्स है, जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, हम खास बात करें ह्यूमन बींग्स की, अंडर नॉर्मल कंडीशन ब्रीदिंग रेट इज
रेट इज कितनी होगी बच्चों, 15 टू 18 टाइम्स, 15 टू 18 टाइम्स पर मिनट, ओके। और ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइज बढ़ेगी कि कम होगी, हम हाँफते हैं ना, सांस फूल जाती है, गहरी गहरी सांस लेते हैं, तो ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइज द डिमांड फॉर ऑक्सीजन इंक्रीजेस द रेट बाय अबाउट 20 to 25 times पर मिनट। आज भाई करके देख लेना, ओके, 20 to 25 times पर मिनट हमारी इंक्रीज हो जाएगी, गेटिंग माई पॉइंट। और अगर ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, अ पर्सन इज अनेबल टू ब्रीथ नॉर्मली, देन ऑक्सीजन मास्क आर हेल्पफुल इन सॉल्विंग दीज प्रॉब्लम्स, ओके। ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, पर्सन इज अनेबल टू ब्रीथ है नॉर्मली, तो ऑक्सीजन मास्क आर हेल्पफुल, ओके। और भी क्या करेंगे ऐसे पर्सन को, और क्या लगा देंगे, हाँ जी, वन इक्विपमेंट वी यूज दैट इज नोन एज वेंटिलेटर, ओके, वेंटिलेटर पर लगा देंगे। और उसमें क्या होगा कि अ ट्यूब इज इंसर्टेड इन टू द ट्रेकिया टू असिस्ट द पेशेंट इन ब्रीदिंग। इज दैट क्लियर कि वेंटिलेटर का काम ही क्या है कि वेन पर्सन इज अनेबल टू ब्रीथ प्रॉपरली देन दे इंसर्ट अ ट्यूब इन टू ट्रेकिया टू असिस्ट द पेशेंट इन ब्रीदिंग। इज दैट क्लियर बच्चों, हो गया। और एक और डिजीज होती है, उसको हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, एम्फाइसीमा, तो हमारा टॉपिक कवर हो जाएगा। एम्फाइसीमा, व्हाट इज एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा इज डिजीज ऑफ लंग्स, लंग डिजीज है ये ना, क्वेश्चन आ जाता है, ओके। एंड इट इज अ डिजीज ऑफ लंग इन विच सम ऑफ द एल्वियोली एंड देयर पार्ट्स लूज देयर फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी, यानी कि फूलना और पिचकना जो एल्वियोली का होता है, जब फूलेंगी कब, जब एयर इन हो रही है, और पिचकेंगी जब, जब एयर बाहर हो रही है, तो ये जो ऐसे करके फूलना और पिचकना हो रहा है, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ एल्वियोली इज नॉट प्रॉपर इन एम्फाइसीमा, ओके। और इससे क्या होगा, इट रिजल्ट इन एबनॉर्मल इन्फ्लेशन और डिस्टेंशन ऑफ ब्रोंकी और एल्वियोली। सो इससे क्या होगा, होती क्यों है ये बीमारी, जिसकी वजह से क्या होगा, लंग साइज बढ़ जाएगा। लेकिन ये बीमारी होती क्यों है, बाय प्रोलॉन्ग्ड सिगरेट स्मोकिंग, लंबे समय तक अगर हम इस स्मोकिंग करते रहेंगे तो हमें ये बीमारी हो सकती है, ओके बच्चों। तो आपको आई होप कि ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट टाइम पर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज रेस्पिरेशन या गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। टिल देन बाय बाय।